तो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को फिर से और एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेजन वर्सेस फ्लिपकार्ट में मोबाइल एक्सचेंज करने का जो तरीका है सबसे आसान कौन सा है। इस वीडियो में हम एक एक स्टेप्स आप लोगों को मेरे मोबाइल के स्क्रीन में लेके जाके दिखाएंगे कि सबसे हैसल फ्री और सबसे कम टाइम में इसमें एक्सचेंज प्रोसेस कंप्लीट होता है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस जानने के लिए आपको वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना होगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए अमेजन में सबसे आसान तरीके से आप मोबाइल एक्सचेंज कर सकते हैं या फ्लिपकार्ट में एक्सचेंज कर सकते हैं आसान तरीके से। जी हाँ दोस्तों, चैनल पर पहली बार तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, तो चलिए वीडियो को शुरू करें। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अमेजन और फ्लिपकार्ट में मोबाइल एक्सचेंज करने में सबसे आसान किस में होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आईफोन 14 प्लस है ये, मैं एक्सचेंज करके आप लोगों को दिखाऊंगा मेरा इस फोन के साथ। तो ये है रेडमी नोट 7 प्रो। ठीक है, तो इस फोन का प्राइस फ्लिपकार्ट पे दिखा रहा है दोस्तों 128 GB वेरियंट है इसका 55,900। तो सेम वही तरीके से अमेजन पे भी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसी फोन को मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है स्टारलाइट कलर, और यहाँ पे प्राइस दिख रहा है दोस्तों 64,999, लेकिन जब लॉन्च हुआ था ये 79,900 ही था। तो सेम वही फ़ोन है लेकिन अमेजन में प्राइस थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, और 128 GB ही वेरिएंट है इसका। तो चलिए अभी फ्लिपकार्ट में सबसे पहले एक्सचेंज करते हैं, इसका क्या क्या प्रोसेस है आप लोगों को दिखाते हैं और सबसे आसान किस में आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो आपको जब ये फ़ोन आप किसी भी फ़ोन को जब आप दोस्तों एक्सचेंज करोगे तो यहाँ पे बाय विद एक्सचेंज पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद अगर आपका फ़ोन का कंडीशन पहले ही यहाँ पे एंटर करके रखा है तो आपको दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए एडिट फोन डिटेल्स पे क्लिक करके मेरा फ़ोन का ब्रांड है दोस्तों MI, तो ये सब कुछ यहाँ पे पहले से एंटर कर लूँगा, MI रेडमी नोट 7 प्रो। तो ये है रेडमी नोट 7 प्रो, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और इस फोन का कंडीशन दोस्तों फ्लॉलेस है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका फ़ोन का कंडीशन कुछ भी डैमेज स्क्रीन डैमेज है तो उस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे मतलब जितना अच्छा कंडीशन रहेगा दोस्तों एक्सचेंज वैल्यू भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है 3550 रुपीज़। नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा एक्सचेंज ड्यूरिंग डिलीवरी एक्सचेंज आफ्टर 7 डेज, व्हेन वुड यू लाइक टू एक्सचेंज, कब आपका फोन को एक्सचेंज करना चाहोगे। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, एक्सचेंज ड्यूरिंग डिलीवरी मतलब जब नया फोन लेके आएगा तभी ये पुराना फोन उठा के लेके जाएगा, एक्सचेंज आफ्टर 7 डेज मुझे पहले नया फोन देके जाएगा फिर मैं क्या करूँगा इस पुराना फोन से डाटा ट्रांसफर करने के लिए टाइम देगा आपको 7 डेज, ट्रांसफर डाटा टू द न्यू फोन बिफोर पिकअप, फिर 7 डेज के बाद ये फोन लेके जाएगा दोस्तों। तो एक्सचेंज ड्यूरिंग डिलीवरी ही बेटर है, तो यहाँ पे क्लिक करके मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। फिर आपको इस तरह का एक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा ऑन द डे ऑफ डिलीवरी, सब कुछ यहाँ पे सही से आपको देख लेना है। फिर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री, यहाँ पे टिक मार्क पे आपको क्लिक करके कॉन्फर्म एक्सचेंज पे आपको क्लिक करना होगा। प्राइस था दोस्तों 55,999। तो अभी आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे देख सकते हो एक्सचेंज अप्लाइड हो जाएगा इस फोन के नीचे पे, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अगर सक्सेसफुली एक्सचेंज अप्लाइड हो गया तो बाय नाउ पे अभी मैं क्लिक कर दूंगा। तो इसके बाद स्किप एंड कंटिन्यू, तो पहले प्राइस यहाँ पे 55,999 था, अभी हो गया 52,747, तो कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर दूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा दोस्तों, किस मोड से आप पेमेंट करोगे वो पेमेंट मोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो मान लो दोस्तों मैं EMI से यहाँ पे पेमेंट करूँगा। ठीक है, तो EMI यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपका कौन सा क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, अगर डेबिट कार्ड पे भी आपका EMI फैसिलिटी है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे मेरा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद तो कितना मंथ का EMI मैं लूँगा यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 मंथ्स का आएगा दोस्तों 4,786 रुपीज़ करके, तो यही मुझे बेटर लगा, ये प्लान चूज पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद क्रेडिट कार्ड का जो CVV नंबर है डाल के मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दूंगा, क्रेडिट कार्ड का बैंक है उस पर OTP आ जाएगा, OTP डालने के साथ साथ यहाँ पे ऑर्डर कन्फर्म हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों पहला फ्लिपकार्ट का मोबाइल एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है, तो अभी मैं सेम वही प्रोसेस आपको अमेजन का करके दिखाता हूँ। तो आपको पता ही होगा ये सेम मोबाइल है दोस्तों 128 GB का, लेकिन यहाँ पे प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। तो एक्सचेंज योर ओल्ड फोन का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मोबाइल फोन के नीचे। ठीक है, तो जब यहाँ पे क्लिक करेंगे चूज फोन टू एक्सचेंज, तो आपका फोन यहाँ पे चूज करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक यहाँ पे कर देने के बाद दोस्तों आपको कौन सा फोन है यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो मेरा वाला ब्रांड है दोस्तों यहाँ पे MI Xiaomi सिलेक्ट करूंगा। फिर कौन सा ब्रांड है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपको रेडमी नोट 7 प्रो, यहाँ पे 6 GB रैम है, 128 GB इसका वेरियंट है। तो ये सिलेक्ट कर देने के बाद सिलेक्ट फोन कंडीशन पे आपको क्लिक करना होगा, इस फोन का कंडीशन के बारे में उन लोगों को बताना होगा। तो नो डैमेज, कोई भी डैमेज नहीं है, आपका फोन का कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करना, कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो IMEI नंबर यहाँ पे डालने के लिए बोल रहा है, आपका फोन का IMEI नंबर कैसे मिलेगा यहाँ पे, तो वो लोग यहाँ पे बोल दिया है *#06# डायल करोगे तो IMEI नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो IMEI नंबर यहाँ पे डालने के बाद दोस्तों आपको एंटर पे क्लिक करना होगा, तो देख सकते हो IMEI सक्सेसफुली वेरीफाइड होने के बाद यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना होगा। फोन का टेस्ट होगा यहाँ पे ब्लूटूथ बैटरी और वाईफाई, स्टार्ट फोन टेस्ट पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे सब कुछ सही से वर्क कर रहा है मेरा फोन का कंडीशन, सब कुछ चकाचक है, ब्लूटूथ बैटरी वाईफाई सही है, कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है,
यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा बाकी का स्क्रीन टेस्ट कंप्लीट करने के लिए। आर यू एबल टू स्वाइप द ग्रे बॉक्सेस, तो आपको ये जो ग्रे है दोस्तों व्हाइट के बीच में, ये आपको स्वाइप करना होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो पूरा यहाँ पे मैं तो स्क्रीन टेस्ट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे टास्क स्क्रीन वर्किंग दिखाएगा आपको, सही तरीके से काम कर रहा है। कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम कंप्लीटिंग द प्रोसेस। तो अभी आपको अप्लाई एक्सेंस पे क्लिक कर देना होगा। ठीक है, तो देखने को मिल जाएगा एक्सेंस अप्लाइड हो गया है। 3700 ऑफ मिलेगा मुझे, मतलब एक्सेंस वैल्यू मिलेगा मुझे 3700। तो इस टोटल प्राइस से दोस्तों ये कम होगा। सक्सेसफुली अप्लाइड होने के बाद आपको बाय नाउ पे क्लिक करना होगा। तो सेम वही तरीके से पेमेंट मोड यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना होगा, पे इन फुल। तो मैं यहाँ पे ईएमआई सिलेक्ट करूंगा, सेम वही तरीके से 12 मंथ का ईएमआई लूंगा, लेकिन उस पे थोड़ा कम आया था प्राइस ईएमआई का, यहाँ पे ज्यादा आ रहा है क्योंकि अमेजोन पे प्राइस थोड़ा ज्यादा था। तो चूज ईएमआई प्लान पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीवीवी नंबर एंटर करने के लिए बोल रहा है, तो सीवीवी डाल लेने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। तो उसके बाद चूज दिस एड्रेस, जिस एड्रेस पे आपको लेना है वो एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, यूज दिस एड्रेस। फिर यहाँ पे प्लेस ऑर्डर एंड पे पे आपको क्लिक करना होगा। बैंक में ओटीपी आ जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, वो ओटीपी यहाँ पे डालने के साथ साथ ही आपका जो दोस्तों एक्सचेंज प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये वीडियो पूरा देखने के बाद मुझे दोस्तों ये एक बात यहाँ पे क्लियर हो गया है कि अमेजन में प्राइस बहुत ज़्यादा है फ्लिपकार्ट के कंपैरिजन में मोबाइल एक्सेस में। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों, सब कुछ खेल पैसों का ही है, तो आप दोस्तों फ्लिपकार्ट ही चूज़ करना मोबाइल एक्सेस के लिए। ठीक है, और बाकी आपकी मर्जी दोस्तों, आपको जो बेस्ट लगता है, जिस पे आपको एक्सेस करना बेस्ट लगता है वो ऐप आप चूज कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे बेस्ट आपको कौन सा लगा, अमेजन या फ्लिपकार्ट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसा वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।